किसी अस्पताल जाओ आई मीन जरूरत क्या है तो सिटी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको नहीं पड़ता और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी शक्ल ना देखूँ उसके पास ये आवाज़ सुनते ही मरूंगा जबकि आपने बोला था कि उस लड़की के होने ना होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता मेरा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनूंगा उसकी शक्ल मैं कहूँ के लिए मैंने लड़ने के फेवर में नहीं बस कुछ दिनों की बात है एक बार तुम काम डालना चाहिए उसके बाद इस लड़की को भेजना तो बहुत अच्छा है तेरा कोई कब सा है वो कोई याद कर रहा है मुझे कौन याद करेगा जरूर नेत्रा याद कर रही होगी मैंने उसे कॉल किया था पर फोन नहीं लगा बाद में फिर से ट्राई कर पानी पी लो मैं नीचे से लेके आती हूँ मैं ले आती हूँ इट्स ओके आपको हिकअप्स आ रहे हैं मैं नीचे से पानी लेके आती हूँ इट्स ओके टू मैं ले आऊँ किचन नीचे हाँ हॉल में राइट तरफ ना अंदर से शायद आपके टाइम देख लिया होगा मिल जाता राज के सामने आएगा पूनम का सच राज के उड़ेंगे होश दोस्तों सीरियल कयामत से कयामत तक में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जहां राज पूनम को कुहू के लिए घर ले आया है ऐसे में आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कुहू के साथ खूब खेलती हुई और मस्ती करती नजर आएगी पूनम ऐसे में पूनम को घर का नक्शा पहले से ही पता होगा लेकिन पूनम कर देगी इस बात को इग्नोर उसे लगेगा कि शायद उसने पहले भी देखा होगा ऐसे में आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि राज का भाई इससे बोलेगा कि आप तो कह रहे थे कि आपको उस लड़की से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे में राज कहेगा फर्क नहीं पड़ता पर ये तो नहीं कहा कि मैं उसकी शक्ल ही नहीं देखूंगा आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि राज को पता चल जाएगा कि पूनम पूर्णिमा ही है अब देखना होगा क्या पूनम को अपने पुनर्जन्म की सारी बातें आ जाएंगी यार क्या राज और पूनम हो जाएंगे क्या लगता है आपको कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को